हाय गाइस, आई एम माजिद अली और आज हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को सिंपली सिंपली जितना डिस्क्राइब कर सकते हैं उतना डिस्क्राइब करेंगे और इसमें जो बेसिक बेसिक टर्म यूज होती हैं वो भी देख लेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है और इसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरह आपको पता चले कोई भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, रिडॉक्स रिएक्शन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रिडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन अगर आप रिडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको रिडॉक्स रिएक्शन का नहीं पता है अब वहां पे रिडॉक्स टाइट्रेशन कहां पे कर पाएंगे, खुद सोचें। चले यहां का अगर वर्ड देखें, रिडॉक्स किस तरह बना है? ये रिडॉक्स दो वर्ड के मिलने से बना, एक इसमें रेड आर ए डी और सेकंड वर्ड अगर देखा जाए तो यहां पे ओ एक्स है। ओ एक्स निकला है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन सही है, और आर ई डी वर्ड जो निकला है वो निकला है रिडक्शन से, रिडक्शन सही हो गया। अब यहां पे अगर ऑक्सीडेशन का वर्ड देखा जाए तो ये भी दो वर्ड के मिलने से बना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। डेशन का मतलब है एडिशन, डेशन का मतलब है एडिशन। मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन वर्ड है इंग्लिश का, इसका लफ्जी मतलब देखे तो कम करना कहते हैं, रिड्यूस, कम करना। किस चीज को कम करना? ऑक्सीजन को कम करना, या ऑक्सीजन को अपने अंदर से निकालना रिडक्शन कहलाता है। लास्ट लेक्चर में हमने एक बातें की थी कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, वो सिंपली सिंपली मैं यहाँ पे सारे सारे एक टेबल बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती क्या है। अगर देखा जाए ये सिंपल सा टेबल अगर आप याद कर लेते हैं आपको इजीली पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है क्या। यहां पे आपने क्या करना, तीन कॉलम्स बना लेने और यहां पे ये ऑक्सीजन के हवाले से हो जाएगी एक्सप्लेनेशन, यहां पे हाइड्रोजन के हवाले से, यहां पे इलेक्ट्रॉन के हवाले से और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर हमें एक्सप्लेन करना है ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन, यहां पे करेंगे रिडक्शन। सबसे पहले देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीजन के हवाले से अगर बात की जाए, ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन में प्लस का निशान लिखूंगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन माइनस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो साइन ऊपर की तरफ लिखा है इसका मतलब है इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास ऑक्सीडेशन यानी कि चार तरीकों से हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, उसी तरह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये लास्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने मैं एग्जाम्पल्स यूज करूंगा यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, दूसरे भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का हवाला देख के भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होगा। तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम रिएक्शन में, मैक्सिमम रिएक्शन में ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला। फ्रेंड ये बात हो गई। अब इसके बाद देखा जाए तो रिडक्शन की बिल्कुल इसका ऑपोजिट आ जाएगा, रिडक्शन में हटाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी को रिडक्शन क्या होता है, ये दो चीजें लाजमी याद रखिएगा कि ये आपकी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है इंतहा की। तो ये बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा आपका वो जो टॉपिक होगा वो इस पे रिलेट कर रहा होता है, तो ये चीज समझ नहीं आती, फिर वो हमें रट्टा लगाना पड़ता है। जब रट्टा लगाते हैं फिर आपको पता ही है कि क्या होता है उसमें। चलिए ये दो चीजें आपने देख ली, ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन,
इंक्रीज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अब मैंने बात कर ली रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो, एक ही वक्त में एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, आप बेसिक जमातों में पढ़ के आ जाते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन हमारे पास दोज रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस हो रही हो, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली USLY, साइमल्टेनियसली मतलब होता है एट द सेम टाइम यानी एक ही वक्त में, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने ऊपर लिखा है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, RED वर्ड निकला है रिडक्शन से, OX वर्ड निकला है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की दोनों हो रही हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन तो हमने लिख लिया, तकरीबन तकरीबन अगर केमिस्ट्री बात की जाए हर एक रिएक्शन ही रिडॉक्स रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन ही रिडॉक्स रिएक्शन, जितने भी आप टाइप्स देख रहे हैं रिएक्शन की, बेशक वो कंबस्शन रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन की टाइप ले लें, वो हमारे पास यही टाइप में आएगी रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं इसके सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास ना, मैंने वाटर का मंगाया, ये आप सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास, आपने ना वाटर बनाना है, वाटर बनाने के लिए मुझे चाहिए H2+O2। यहां पे गौर करते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं, और यहां पे हमारे पास H2O बन जाएगा। ये सिंपल सा रिएक्शन आप बचपन में ही पढ़ाते हैं, और ये मेरे पास वाटर बन गया। अब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसे पता चलेगा रिडॉक्स रिएक्शन है? अच्छा, इस चीज के लिए ना आपको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह निकालते हैं, मैं बेसिक रूल्स बता देता हूँ, इस पे एक अलग वीडियो भी होगी, सही है? अच्छा, ये पहला रूल ये है कि जितने भी एलिमेंट्स फ्री हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो हो। जितने भी एलिमेंट्स फ्री का मतलब यह है कि जो एटमोसफेयर में अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं, पाए जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा। मतलब यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है, हाइड्रोजन गैस पाई जा रही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। ऑक्सीजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो होगा। इसके बाद जो सेकेंड बात आ जाती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो है, मैं इन दो का ही रूल बता देता हूँ। हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ, हाइड्रोजन जब मिल रहा हो नॉन मेटल के साथ, तो वहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा, वहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा, यानी कि यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है, और इसका नॉर्मल ऑक्साइड में माइनस टू होता है। ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स के मुताबिक लिखनी है। अब मैं हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाता हूं, ये देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, तो यहां पर यह हाइड्रोजन, आपने सिर्फ यह बताना है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, कुछ नहीं। यहां पे जीरो था, यहां पे प्लस वन में चला गया, जीरो से वन में जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो यहां पे इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन, सही हो गया। अब बात करते हैं इसकी थोड़े से, ये ऑक्सीजन को इससे मिला रहे हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से मिलाया, मैंने यहां पे देखा जीरो है, यहां माइनस टू है, और सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये गैस करके बताना है कि जीरो बड़ा है या माइनस टू बड़ा है, जीरो बड़ा है, माइनस टू बड़ा नहीं, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जाती है, जो नेगेटिव में वैल्यू होती है वो छोटी होती है। यहां पे जीरो से माइनस टू में जा रहा है, यानी कि वैल्यू छोटी हो रही है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर
डिक्रीज हो रहा है, और जब डिक्रीज हो तो उसको हम रिडक्शन कह रहे होते हैं। देख लें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिएक्शन। ये सिंपल सी बात आपकी रिडॉक्स रिएक्शन का आता है। इसके बाद एक और भी आपने सिंपल सी एग्जांपल पढ़ी हुई है मुझे पता है, वो है साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं वो भी हमारे पास इसी एग्जांपल में रहते हैं। साल्ट फॉर्मेशन एक एग्जांपल दूंगा साल्ट फॉर्मेशन के हवाले से। आप क्या करते हैं जब भी साल्ट बनाते हैं सोडियम हाइड्रेट का यह वाला रिएक्शन आपने कॉमनली पढ़ा हुआ है, यहाँ पे NaCl बन जाएगा और यहाँ पे आपने 2 लगा देना है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ये मेरे पास साल्ट फॉर्मेशन है। ये सोडियम मेटल आपने आपको एग्जिस्ट करती है फ्री स्टेट में पाई जाती है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास -1 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी ये Cl2 गैस है, Cl2 गैस भी एटमोसफेयर में फ्रीली एग्जिस्ट करती है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। सोडियम का +1 है इस कंपाउंड में और क्लोरीन का -1 है, ये हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सोडियम को सोडियम से मिला लेते हैं, सोडियम को सोडियम से। अब यहां पे देखिए 0 से 1 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया और इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये हमारे पास यहां पे क्या हुई है ऑक्सीडेशन। अगर बात करूं मैं इसकी क्लोरीन की, क्लोरीन की बात करूं तो यहां पे 0 है, यहां पे -1 है, 0 से -1 में जा रहा है तो डिक्रीज हुआ है, -1 छोटा होता है 0 बड़ा होता है, 0 से -1 पे गया है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो इसको हम रिडक्शन कह रहे होते हैं, रिडक्शन। और देखिए एक ही रिएक्शन में दोनों के दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। चलो एक ना रिएक्शन ले लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एग्जांपल, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक ही चीज एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो उसी एलिमेंट की रिडक्शन भी हो जाए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। फिर मैं यहां पे बना लेते हैं इसकी भी एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल है ये H2O2 जब डीकम्पोज होता है तो हमारे पास ये वाली चीजें बनती हैं H2O और साथ में ऑक्सीजन, बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा। बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, यहां पर अगर देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 -2, यहां पे सॉरी यहां -2 नहीं आएगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ जाए तो आप क्या करें इसको एक्सपोज कर लें, सही है, और यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन का +1 मिलता है। और ये कितने हमारे पास ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 2 हाइड्रोजन है ये बराबर आ जाए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, सही हो गया। अब यहां पे 2x बराबर आ जाएगा 2 और x हमारे पास -1, यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ये बात याद रखिएगा। इसको निकालने का तरीका आपको आता हो, ये सिंपल सा तरीकाकार है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब यहां पे ऑक्सीजन की -1 है, अगर यहां पे देखें तो यहां पे ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की +1 नहीं है, ऑक्सीजन की -2 हो गई है और यहां पे ऑक्सीजन 0 है क्योंकि फ्री स्टेट में चली गई, वही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है। अब मैंने यहां पे देखा हाइड्रोजन को तो कुछ नहीं हुआ, हाइड्रोजन +1 है +1, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन में -1 से -2 में गई है और -1 से 0 पे गई। अब यहां पर दोनों में देखना है, अगर इसको मैं मिलाऊं इसको इससे मिला रहा हूं
कहां पे गई है, माइनस वन से माइनस टू पे। अगर कोई चीज माइनस वन से माइनस टू पे जा रही है तो आप आपको सोच कर बताना ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ये बात याद रखिए, माइनस में जो चीज माइनस में इंक्रीज होती है वो असल में डिक्रीज हो रही होती है। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज को हम रिडक्शन कह रहे होते हैं। यहां पे क्या हुई है, रिडक्शन, सही है। अब इसके बाद अगर देखें इसी ऑक्सीजन को मिला दें इसके साथ, यहां पे देखें माइनस वन से जीरो पे जा रही है, तो माइनस वन से जीरो पे जाएगी, ये आपको पता चल गया होगा, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन और यहां पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ये आपने जहन में रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। देखें एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, इस तरह के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, इस तरह के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन। आप जो भी एग्जांपल्स ले लेंगे, मैक्सिमम एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन के होती हैं, मैक्सिमम एग्जांपल्स जो मर्जी ले लें, सही बहुत सारे एग्जांपल हैं ये, जैसे यूरिया फॉर्मेशन में, अमोनिया फॉर्मेशन में, ये वाली चीज ये भी रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है। यहाँ पे हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास NH3 बन जाता है, NH3 इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन भी है। इस तरह आप जो मर्जी एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि आपके जहन में आती है, वो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ एग्जाम्पल्स आर रिडॉक्स रिएक्शन। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे आगे चलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।